एक और क्वेश्चन, सबसे पहले कंडीशन लिखो, यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है? A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, और यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ कैसे बनता है? यूनिक मतलब वन सॉल्यूशन, द लाइंस मस्ट बी इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। तो यूनिक सॉल्यूशन देता है आपको सिंगल सॉल्यूशन, कंडीशन इज A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। अच्छा, यूनिक को क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? जो सॉल्यूशन देता है वो इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है? जिससे सॉल्यूशन मिलते हैं आपको वो इनकंसिस्टेंट होते हैं। नहीं, जिसका सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट होता है। कहता है अगर किसी इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन मिल जाए, एक मिल जाए या ज्यादा मिल जाए, तो वो कंसिस्टेंट होता है, जिसका नहीं मिलता वो इनकंसिस्टेंट होता है। इसका मतलब इनकंसिस्टेंट का नेम क्या होगा दूसरा? सॉल्यूशन नहीं मिलता तो उसको क्या कहते हैं? नो सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट में दो केसेस हो गए, कौन से? यूनिक या इनफाइनाइट। इनफाइनाइट की कंडीशन लिखो, इनफाइनाइट की कंडीशन। इनफाइनाइट मतलब सारे इक्वल होते हैं। A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। ये थर्ड कंडीशन। अच्छा, जो अभी आपने लिखा है इनफाइनाइट, उसका ग्राफ कैसे होता है? यहाँ पे एक पॉइंट पे कट कर रहा है, वहां पे बहुत सारे पॉइंट पे मीट करेगा। मतलब क्या मतलब है इसका? ओवरलैप, ओवरलैप करेंगे, ठीक है? ओवरलैपिंग लाइन आएंगे, ऐसे दोनों ग्राफ सेम बनेंगे। एक लाइन बनेगी, दूसरी उसके ऊपर ही बन जाएगी, सेम मतलब सेम पॉइंट आएंगे। इसका मतलब जो एक इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे वो सेकेंड इक्वेशन के भी सॉल्यूशन होंगे। नो सॉल्यूशन की कंडीशन, A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2. और lines parallel होती हैं, they will never meet each other. और क्या होती है? Inconsistent. System of equation inconsistent होता है, solution की type no solution होती है, और lines parallel होती है। तो अलग अलग तीन चीजें हैं, ध्यान रखना। lines पूछे तो parallel lines, solution की type पूछे तो no solution, और graph की type पूछे तो पैरेलल लाइंस। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन पूछे तो इनकंसिस्टेंट, ठीक है? ठीक है, करवा देती हूँ। जिसमें के फाइंड करना होता था, ठीक है। पैरेलल लाइन का मीनिंग क्या होता है? दे ऑलवेज हैव सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, जैसे रेलवे ट्रैक जो होता है वो सारा टाइम सेम लाइन में सेम चलता जाएगा, तो मीट कब करेगा? कभी भी नहीं करेगा। दूर से देखते हैं ना, आप देखो ही मत, आप देखो मीट करते ही नहीं, क्योंकि पैरेलल ट्रैक होंगे तो फिर वो ट्रेन कैसे चलेगी? तो पैरेलल मीन्स सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहेगा। दूर से देखने में तो ऐसे बहुत कुछ लगता है, जैसे आपकी क्लास को देख के लगता है। चलो लिखो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन थ्री एक्स माइनस टू वाई is equal to 6 and x axis, the point of intersection of this line and x axis. क्या मतलब है इसका? हाँ, क्या मतलब है? कैसे निकालोगे वो पॉइंट? हाँ जी, y जीरो ले। जब भी किसी लाइन के साथ x एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करेगा तो y जीरो,
वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करेगा तो एक्स जीरो पुट कर दो, वाई जीरो पुट कर दो, क्या आएगा? टू आएगा। पॉइंट क्या बन जाएगा? किसको समझ नहीं आया? सहज समझ आ गया? एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करने का मतलब है वाई कोऑर्डिनेट मस्ट बी जीरो, इसमें पुट कर दो जीरो, ये हट जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? टू, तो पॉइंट क्या बन जाएगा? तो इसका मतलब इसका इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 2,0। लिखो, अब स्टेटमेंट्स हम बोल रही हूँ, नोट करो। द सम ऑफ डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर, द सम ऑफ डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर इज एट, एट एट। इफ डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय वन, इफ डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय वन, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय वन, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। गिव ज्योमेट्रिक अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशन। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, अलजेब्रिक मीन्स अलजेब्रिकली एक्स वाई में इक्वेशन को रिप्रेजेंट करो, क्या बनेगी? फ्रैक्शन में ही लिख लेना, फ्रैक्शन में ही दिए हुए आंसर, मतलब एलसीएम लेके सॉल्व मत करना, जैसे जैसे सिंपल बन रही है फ्रैक्शन में वैसे ही बना दो। न्यूमिनेटर को एक्स ले लो, डिनोमिनेटर को वाई, दो कंडीशन दी है, दो इक्वेशन बना दो, बस एलसीएम मत लेना, वैसे ही लीव कर देना, मैं आंसर बता देती हूँ। दीक्षा, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का सम 8 है, सम फर्स्ट इक्वेशन बन गई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8। देन इन द नेक्स्ट कंडीशन वन इज, आपको कहते हैं डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय वन, फ्रैक्शन बिकम 1/2, फ्रैक्शन बिकम 1/2, फ्रैक्शन की फॉर्म में बोलो, फ्रैक्शन की फॉर्म में न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर इज एक्स, डिनोमिनेटर इज वाई, कहता है इफ डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय वन, फ्रैक्शन बिकम 1/2। मैं यही तो कह रही हूँ, ऑप्शन ऐसी दी हुई है, ऑप्शन ना दी हो तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर वन नंबर में आपसे पूछे तो इक्वेशन लिखो, तो आपने एलसीएम लेके लिखनी है, लेकिन ऑप्शंस गिवन है तो ऑप्शन में जो है वो ऐसे ही गिवन है। ठीक है, सिट डाउन, क्लियर है ये? नेक्स्ट लिखो, ट्राई करो कि इक्वेशन आप खुद फ्रेम करो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, अगर मैं ऐसी बताती जाऊंगी तो आपको आएगा नहीं करना, एक दो क्वेश्चन खुद कर लोगे, उसके बाद थर्ड में अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलो लिखो, द एज ऑफ डॉटर, द एज ऑफ डॉटर इज 1/3 द एज ऑफ मदर, द एज ऑफ डॉटर इज 1/3 द एज ऑफ मदर। एक कंडीशन बना लो तब तक, पहले फिर बताते हैं आगे। इसमें कोई कंपल्शन नहीं होती कि आप सिंगल वेरिएबल लो या डबल लो, जैसे आपको समझ आया वैसे करो। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, कहते वो कह रहे हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हैं कि जो डॉटर की एज है ना वो 1/3 है मदर की एज की, अगर मदर की एज एक्स है तो उसका 1/3 कर दो तो डॉटर की एज आ जाएगी, क्या आएगी? एक्स बाय थ्री। ये भी ले सकते हो, एक्स वाई में भी ले सकते हो। ठीक है, इक्वेशन सेम टाइप की बनती है, आंसर भी सेम आते हैं, लेकिन मेथड तो आपने देखा ना, जो मर्जी फॉलो करो। ये फर्स्ट कंडीशन बन गई, नेक्स्ट लिखो इसके बाद ही आगे, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज एक्स ईयर, देन द एज ऑफ डॉटर आफ्टर 15 ईयर इज, ये बताना है। प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज एक्स, फाइंड द एज ऑफ डॉटर आफ्टर 15 ईयर। पहले डॉटर की प्रेजेंट एज निकाल लो, फिर 15 ईयर बाद उसमें ऐड कर देना।
क्या वो ज्यादा मुश्किल है? क्या सोच कह रहे हो सारे? सब कुछ तो बता दिया। मदर की एज एक्स है, डॉटर की एज एक्स बाय थ्री है, एक्स बाय थ्री उसकी प्रेजेंट एज है, 15 साल के बाद कितने की होगी वो? एक्स बाय थ्री प्लस 15, बस से कुछ करना ही नहीं है, खत्म हो गया। एक्स बाय थ्री प्लस 15, ये आंसर ही बोल रही हूँ। बच्चे सिंगल में क्या बनाओगे? कुछ दिया तो है नहीं सॉल्व करने के लिए, वो बस ये पूछ रहा है कि 15 ईयर के बाद उसकी एज कितनी होगी, कुछ कहा ही नहीं उसने आपसे। बस मदर की एज एक्स है, डॉटर की एज 1/3 है, मतलब 1/3 एक्स होगी, 15 ईयर के बाद 15 ऐड कर दो, ठीक है? आप सोचते हो ये कैसे आ गया, अभी कुछ होगा इसमें, और चाहे नहीं भी है अपने आप ही करने लग जाते हो। लिखो, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 137, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 137, डिफरेंस 43, गिव अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन जब कहता है ना, तो डबल वेरिएबल वाली होती है। तुमने डायरेक्टली लिख लिया सब कुछ, ठीक है? बस इक्वेशन लेनी है, 100 नंबर्स निकालने को नहीं बोला। हाँ, बस इक्वेशन लेनी है, खुशी पानी नंबर्स नहीं निकालने। क्या सॉल्व कैसे करेंगे? नहीं, सॉल्व कैसे करेंगे, वही तो पूछ रही हूँ। बस बता ही दे, मत सॉल्व कर। अरे ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। बताना क्यों नहीं आ रहा, सब पता है तुझे। चलो लिखो, फाइंड ए इफ द पॉइंट 3, A लाइज ऑन 2x-3y इज इक्वल टू 5। ए की वैल्यू फाइंड करो, दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन द लाइन। सॉल्व तो कर ले खुद। वन बाय थ्री आंसर। ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, ए फाइंड करो। तुमने नहीं सॉल्व किया है, उसकी नोटबुक लेके कहती मैं इसका क्वेश्चन लिख देती हूँ, अपना किया नहीं। हाँ जी, पढ़ लो, आता है कुछ? थोड़ा बहुत पूरा आना चाहिए, पेपर में थोड़े बहुत से नहीं काम चलेगा ना। पूछ के भी फिर आंसर क्यों पूछने लग जाते हैं, जब कर ही लिया तो। डाउट क्लियर करने के लिए उसको एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए। बहुत बोलती है। सॉल्व कर।
a3b1, ये इसके सॉल्यूशन है। x की वैल्यू a, y की वैल्यू b, a माइनस बी इज इक्वल टू टू, ए प्लस बी इज इक्वल टू फोर, एड कर दो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक काम और भी हो सकता है, x y में ही सॉल्व कर लो, x किसके इक्वल है a के, तो बात एक ही है। ठीक, ये सॉल्व करो, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन। सॉल्यूशन फाइंड करो इसका। जब भी किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना होता है ना, सबसे पहले कंडीशन चेक किया करो, उससे आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आंसर किस। मैंने बताया था आपको ये बात, ऑनलाइन में थे तब आप, इसका मतलब आपको कुछ नहीं पता। चलो, a 2/4 ये आ गया, a1/a2 मतलब हाफ, b1/b2 मतलब 1/2, c1/c2 का मतलब है 3/2। ये दोनों क्या है, अनइक्वल। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, कौन सी कंडीशन है, यूनिक मतलब सिंगल सॉल्यूशन आएगा, और कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है, कुछ नहीं सुना ना तुमने, जब भी सॉल्यूशन निकालना होता है किसी दो इक्वेशन का, पहले कंडीशन चेक करते हैं, a1/a2, b1/b2, c1। a1/a2 और b1/b2 अनइक्वल है, अनइक्वल है इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन के लिए, अच्छा सॉल्व तभी करते हैं जब यूनिक आता है और कंसिस्टेंट ही होता है। अरे इनफाइनाइट में नहीं सॉल्व करते, दोनों इक्वेशन ही सेम है, करोगे क्या? नो सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन आना ही नहीं है, फिर यूनिक में ही करना है। नो सॉल्यूशन मतलब आना ही नहीं सॉल्यूशन, तो सॉल्व क्यों करना है? इनफाइनाइट में तो सारे ही सेम है, तो दो इक्वेशन अगर सेम है तो सॉल्व क्यों करना है? तो सिर्फ यूनिक में सॉल्व करते हैं, बाकी नहीं करते, याद रखना ये बात। इसलिए तो कहा जाता है कि पहले ही चेक कर लो, अगर यूनिक के अलावा कुछ और है तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये होता है, एक तो नो सॉल्यूशन है, तब आप लिखोगे नो सॉल्यूशन मतलब है ही नहीं कोई सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट के केस में लिखोगे कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब चेक करने की जरूरत नहीं होती, इनफाइनाइट पे सीधा टिक कर देना। ठीक है, यूनिक के केस में सिर्फ सॉल्व करना है, अदरवाइज नहीं करना। क्लियर? क्या आ रहा है सॉल्यूशन? क्या आ रहा है इसमें? वाई भी टू आ रहा है, ऐसे टू नहीं है, लिखो सॉल्व करो। जो जैसे करवा रहे हैं सिलेबस से बाहर थोड़ी आ जाएगा, अपनी बुक करो, एक्स्ट्रा तो करवा ही रहे हैं। सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से थॉरली रीड कर लेना, इंट्रोडक्शन फिर एक्सरसाइज कर लेना, क्वेश्चन शॉर्ट वाले सारे, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा करना। ये जैसे करवा रहे हैं यही टाइप्स हैं, रिवीजन टेस्ट कैसा था? बस ऐसे ही, टू टू एक्स टू वाई टू नहीं आ रहा, हाँ तो रहा है, एक्स को टू पुट करेंगे तो फोर, यहाँ पे टू पुट करेंगे सिक्स, सिक्स माइनस सिक्स जीरो, हाँ तो रहा है, आप कोई मिस्टेक कर रहे होगे। टू से मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट इक्वेशन को,
ऐड कर दो, और आ रहा है चलो लिखो। अच्छा ये देखो, आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कंडीशन पता है कि लीनियर इक्वेशन जो होती है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म की जो होती है, उसमें ए बी सी सारे रियल नंबर होते हैं और एक्स वाई वेरिएबल है। ए बी के लिए क्या कंडीशन होती है, ए और बी के लिए क्या कंडीशन होती है? ए और बी कंडीशन दी हुई है ए नॉट इक्वल टू बी, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू जीरो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या होना चाहिए इसमें से? ए और बी पे कंडीशन होती है, इनमें से ए और बी क्या नहीं होने चाहिए इनमें से? मैं लिख देती हूँ कंडीशन, इनमें से देख के बताओ। लीनियर इक्वेशन की पहले जनरल फॉर्म दी हुई है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए बी सी सारे रियल हैं, एक्स और वाई वेरिएबल हैं, और ये फोर कंडीशन है, इनमें से चूज करना है कि कौन सी पॉसिबल है। ए नॉट इक्वल टू बी, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू जीरो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ, क्योंकि अगर दोनों जीरो ही हो जाएंगे, दोनों का स्क्वेयर है, रीजन भी चाहिए साथ में। ए नॉट इक्वल टू बी हो सकता है, ए और बी कोफिशियंट इक्वल हो जाए, हमें क्या करना है उनसे? इसका मतलब फर्स्ट वाली नहीं हो सकती, सेकंड वाली। अगर ए और बी इक्वल होंगे, वही पहले वाली ही होगी, तो उनके स्क्वेयर भी इक्वल होंगे, ये वाली। फोर्थ हो सकता है, क्योंकि वो भी नहीं हो रहा, क्योंकि अगर यहाँ पे ए और बी दोनों ही पॉजिटिव लेते हैं, उनका स्क्वेयर भी क्या आएगा? पॉजिटिव, तो सम तो जीरो हो नहीं सकता, तो जीरो नहीं हो सकता, मतलब ये वाला कंडीशन होगी डी। वो कहता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर नॉट इक्वल टू जीरो इफ ए इक्वल टू जीरो एंड बी इक्वल टू जीरो। वो कहता है ये दोनों का सम जो है वो इक्वल टू जीरो नहीं आ सकता, जीरो तब आएगा जब दोनों ही जीरो होंगे, और दोनों जीरो हो नहीं सकते। अगर दोनों जीरो हो गए तो लीनियर इक्वेशन ही रहेगी, ठीक है? इसका मतलब ये है कि ए और बी जो है एक्स और वाई का कोफिशियंट वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है? आपको अगर याद हो तो नोटबुक पर ये कंडीशन लिखी थी, लेकिन ऐसे नहीं लिखी थी, वहां लिखा था वेयर ए एंड बी शुड नॉट बी जीरो, ठीक है? मतलब इकट्ठे नहीं लिखा था, अलग अलग लिखा था। तो यहाँ पे जीरो नहीं, मतलब कि कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर एक भी जीरो हो गया तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहेगी, फिर वो वन वेरिएबल में बन जाएगी, ठीक है? रियल नंबर। अटेंडेंस के लिए आए थे वैसे भी। लिखो, अच्छा ये थोड़े से ना जैसे थ्योरेटिकल टाइप डेफिनेशन वाले दे रखे हैं, ये मैं सेंड कर दूंगी, आपको रीड कर लेना, क्योंकि सारी कंडीशन जो है ना बोली नहीं जा सकती, ना ही समझ आएंगी, आप खुद रीड करोगे तो क्लियर होगा। मैं ये सेंड कर देती हूँ, इतनी 5-6 हैं, ये रीड कर लेना आप खुद ही, ठीक है? लिखो, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई एक्स, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई एक्स वेयर ए बी आर रियल इफ वाई इक्वल टू वन वेन एक्स इज इक्वल टू -1 एंड वाई इज इक्वल टू 5 वेन एक्स इज इक्वल टू -5 देन ए प्लस बी इज इक्वल टू डैश। ये फाइंड करना है।
ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है, ये वाली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ये, देखो दो चीजें हैं। अगर तो आप इसका एलसीएम ले लेते हो तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि तो एक्स वाई वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो पावर टू बन जाएगी, ठीक है। और अगर आप वन बाई एक्स को कोई और वेरिएबल सपोज कर लेते हो, वन बाई एक्स को आप यू ले लो, तो एक वेरिएबल यू हो जाएगा, एक वाई हो जाएगा, तो टू वेरिएबल्स में ही रहेगी। ले सकते हैं ना वन बाई एक्स को पुट करना है, हाँ इनको पुट करके कंडीशन ही तो बनानी है। वाई को वन पुट करोगे, एक्स माइनस वन पुट करोगे, ए बी में एक कंडीशन आ जाएगी। फिर y को 5 पुट करोगे, x को माइनस 5 पुट करोगे, सेकेंड कंडीशन आ जाएगी AB में। दोनों को सॉल्व कर लो, AB आ जाएगा। नंबर डालने को ही तो कह रही हूँ। वैसे मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी आपसे कि वन वेरिएबल में है कि टू में, आपने तो नंबर ही डालने हैं। y को 1, x को माइनस 1, AB में बन जाएगी। फिर y को 5, x को माइनस 5, एक और बन जाएगी। दोनों को सॉल्व कर लो, करो फाइंड AB, फिर दोनों का सम आ जाएगा। और हो सकता है सॉल्व करना ही ना पड़े, ए और बी डायरेक्ट भी आ सकता है, ए प्लस बी, जैसे कल आया था किसी क्वेश्चन में, याद हो अगर आपको तो, एक क्वेश्चन था जिसमें ए प्लस बी निकालना था, इक्वेशन अपने आप ही ए प्लस बी में आई थी। डायरेक्ट नहीं आ रहा, ए और बी निकालना पड़ेगा, फिर ए प्लस बी आ जाएगा। पुट करो वाई को 1, एक्स को माइनस 1, फिर वाई को 5, एक्स को माइनस 5, सेकेंड कंडीशन आ जाएगी। दोनों को सॉल्व कर लो, इक्वेशन को सॉल्व जो करते हैं उसके थ्री मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है सिलेबस में, ठीक, हमने शायद डिस्कस किया था स्टार्टिंग में एक बार। हाँ गलत कर रहे हो आप, x माइनस वन है ना, यहाँ माइनस वन आएगा, हाँ तो माइनस ऊपर आ जाएगा ना बच्चे, यहाँ ऊपर बैठे a माइनस b बन जाएगा, उधर कहाँ ले जा रहे हो, नहीं क्रॉस कैसे कर दिया, जब वो है b के साथ उसके पास थोड़ी चला जाएगा साइन, a माइनस b, आंसर 11। हाँ जो ये माइनस वन था ना, ये इसके साथ चला गया ऊपर। अब सेकंड इक्वेशन निकालो, वाई को कहाँ गया वाई, फाइव, एक्स को माइनस फाइव, क्या बन जाएगा, इसको बता क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे थे पता था। अरे वन गलती देख क्या है, ये माइनस को उधर ले गई, इसने भी यही किया है, ये माइनस वन जो डिनोमिनेटर में है ना, ये माइनस वन ये बी के साथ ही है, बी के साथ, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, बी अपॉन माइनस वन हो या माइनस बी बाय वन हो, एक ही बात होती है, माइनस ऊपर चला जाएगा। ए माइनस बी इज इक्वल टू वन, जो इक्वेशन बनाई है वो रॉन्ग है, ए माइनस बी इज इक्वल टू वन, 11 आ रहा। सॉल्व कर लो कुछ, ये 5 उधर चला जाएगा, सेकेंड इक्वेशन बन रही है 25 इज इक्वल टू 5 ए माइनस बी। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर, ये माइनस बी है, ये माइनस बी है, दोनों को क्या करें कि कैंसिल हो जाएगी, ये सॉल्व करो जिन्होंने कर लिया। ये इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ये सॉल्व करने आने चाहिए। फाइंड एक्स प्लस वाई, एक्स वाई निकाल लो, फिर एक्स प्लस वाई आ जाए, करो, इजी है, थोड़ा सा ध्यान से करोगे इजी लगेगा। गलत आ रहा है, गलत आ रहा है, दिखाइए जरा।
सबट्रैक्ट के लिए इसका साइन चेंज कर दिया, इसका कर दिया, पहले ही ऊपर ही कर दिया। ठीक है ठीक है हाँ, एबी वाले में एलिमिनेशन लगाया करो। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में एलिमिनेशन ही लगता है, एलिमिनेशन ही सबसे ज्यादा इजी है। देखो इधर, यहाँ ए है यहाँ बी है, अगर इसको बी से मल्टीप्लाई कर दे, इसको ए से कर दे, ए बी बन जाएगा, माइनस कर देना, मल्टीप्लाई पूरे से करना, इसको पूरे से करना, ऐसे लिखा करो, ऐसे लिख लिया करो, इजी हो जाता है। ठीक है, करो मल्टीप्लाई। एक्स वाई निकालना है, ये क्वेश्चन है वो मैंने लिखा है एलिमिनेशन मेथड से, इसको बी से करेंगे, इसको ए से। एलिमिनेशन मेथड आता है, क्या होता है मीनिंग, क्या होता है एलिमिनेशन का? अगर पढ़ना नहीं शुरू किया ना, अभी भी कर लो, नहीं तो हार्ट टाइट है बहुत ज्यादा। हाँ जी बताओ, मल्टीप्लाई करेंगे बी से, बोलो क्या आएगा, बताओ बताओ। हाँ बोलो बोलो, आगे। हाँ हाँ मल्टीप्लाई नहीं करना होता उसको, वैसे ही रख लिया करो, कर भी दोगे चलो बाद में देख लेंगे, वैसे करना नहीं चाहिए, ऐसे लिख देना चाहिए इसको ना, जब बी से मल्टीप्लाई करते हो ना, मल्टीप्लाई किया मत करो, इसको ऐसे लिख दिया करो, ऐसे इसको इसके साथ ऐसे लिख दिया करो, नहीं गलत क्यों होगा, फिर कॉमन लोगे अगले स्टेप में, कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि कटिंग करनी है। सॉल्व करो, ये और ये कट रही है, सेम है, साइन चेंज करो, माइनस बी, इसका माइनस कॉमन लोगे ना सेम बनाने के लिए, तो कट जाएंगे ये, वाई इज इक्वल टू माइनस बी आ गया। हाँ और क्या, अच्छा डाउट हो रहा है इनको, ऐसे भी आ जाता है, क्यों ऐसे क्यों नहीं आएगा? अरे ऐसे ही है सारे क्वेश्चन के वाले, डाउट क्यों, डाउट नहीं होना चाहिए, जो लिख रहे हैं उस पर पक्का ठीक है, प्रैक्टिस करोगे पता चल जाएगा धीरे धीरे।